नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ हेल हिमालयाज, एक साइट है जो कि इको टूरिज्म को प्रमोट करती है। इस जगह की खास बात यह है कि ये चंडीगढ़ से सिर्फ 82 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये एक नेचुरल हैबिटेट है, जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और शहर से कहीं ना कहीं अपार्ट है, एक साइड में बना हुआ है। अगर आप छुट्टियों में कहीं घूमना आना चाहते हैं तो हेल हिमालय आपके लिए कैसा रहेगा, यही बात करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं यहाँ की टेंटिंग की। अगर मैं टेंट्स की बात करूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ टेंट्स हैं जिसको डिवाइड किया गया है लग्जरी टेंट और नॉर्मल टेंट से। हमने यहाँ पे लग्जरी टेंट अफोर्ड किया, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे टेंट के अंदर सफाई कैसी है, टेंट दिखने में कैसा है, बाहर से लुक बहुत अच्छी आती है, आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। जब हम टेंट के अंदर जाते हैं जो बेडिंग है वो भी खूबसूरत है, लेकिन क्लीननेस वाइज अगर हम बात करें तो बिल्कुल साफ है, आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल टेंट लिया है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड रहेंगे। और जो ये लग्जरी टेंटिंग है ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन यहाँ पर स्टे करने का एक अलग ही मज़ा है। जब भी हम बाहर आते हैं सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि हम जो खाना खाएं वो हमारे लिए हेल्दी हो, हम किसी तरह से बीमारी को फेस ना करें। तो इस कैंपिंग की मैं बात करूं तो यहाँ के जो शेफ हैं उनके हाथ में सचमुच जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो खाना घर के खाने से रिजेंबल करता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको बताकर अपना खाना प्रिपेयर करवा सकते हैं। और जो डाइनिंग एरिया है वो बहुत खूबसूरत है, आप अपने पूरे परिवार के साथ अगर डाइनिंग एरिया के अंदर खाना चाहते हैं अंदर खा सकते हैं, अगर बाहर भी आप खाना खा सकते हैं। जैसे ये पीछे आप देख सकते हैं ये हट बनी हुई है, इस तरह से और भी दो तीन हट है किचन एरिया में। तो बेसिकली इस कैंपिंग का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसमें ये जो खाना है या कोई भी खाने की आइटम है वो टेंट्स में सर्व नहीं करते हैं। चलिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है क्योंकि उससे गंदगी नहीं फैलती है टेंट्स में और जिन लोगों ने आपके जाने के बाद आना है उनको वो टेंट साफ मिलते हैं। जब भी हम कैंपिंग की बात करते हैं तो कैंपिंग की बैकबोन नेचर की बीचों बीच तो वो होती है, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इस वक्त जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं विवेक कपूर जी, जो कि इंस्ट्रक्टर ने जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जाती हैं उसको टेक केयर करते हैं। विवेक जी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप करवाते हैं? सर, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं लाइक रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, ज़िपलाइन, ऑब्स्टेकल्स हैं, हर्डल कोर्स जिसको हाई रोप कोर्स बोलते हैं हम, बर्मा ब्रिज है, बैम्बू ब्रिज है, स्लॉथ वॉक, सिंगल रोप वॉक है, रिंग वॉक है, इस तरह के एक्टिविटीज़ करवाते हैं सर हम यहाँ पे। अगर विवेक जी हम बात करें कि कितने दिन चाहिए अगर किसी ने आपके पास, मानो कोई दिल्ली से आ रहा है या कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, मिनिमम कितने दिन होने चाहिए अगर हम एक कैंपिंग को अच्छी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं? सर कम से कम 2 रात, 2 नाइट 3 डेज कम से कम। चलो, कहीं ना कहीं हम जब भी कहीं घूमने आते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में से कुछ अच्छा वक्त निकालते हैं। इस कैंपिंग के शेफ के हाथों का जादू और या इस कैंपिंग की जो एटमॉस्फेयर को आप महसूस करना चाहते हैं और नेचर के बीचों बीच आना चाहते हैं तो ये हेल हिमालय आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। चंडीगढ़ से सिर्फ महज 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।